पहचाना मुझे, दिलावर। क्या क्या है सलमान? मेरा काम और मेरे क्लाइंट्स की डिमांड। इस बार मेरे वीडियो की हीरोइन तुम हो। सलमान ने तुम्हारी कीमत हमसे वसूल कर ली है। ज्यादा सलमान को याद मत करो। बताया ना कि उसने तुम्हारी कीमत हमसे वसूल कर ली है। लड़की, तुझे कहा है कि यहाँ नहीं है कोई। दिलावर चला गया यहाँ से। झूठ बोल रहे हो तुम। वो जानवर यही है, मैं जानती हूँ, यही कहीं छुपा हुआ है। उसी ने कहा है ना, उसी ने कहा ना तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। लेकिन तुम याद रखना, मैं उसे ढूंढ के रहूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। दिलावर निकलो बाहर, कहाँ छुपे हुए हो तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, निकलो। देखो लड़की, बताओ तो सही तुम कौन हो? हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। देखो दिलावर, अगर यहाँ होता ना तो मैं तुम्हें जरूर मिलवाता, मगर वो यहाँ है ही नहीं। उसने अपना काफी माल मुझे दिया हुआ है कि कोई जरूरतमंद आए तो उसकी जरूरत पूरी कर देना। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सा फायदा मुझे भी देना होगा, वही जो तुम दिलावर को देती हो। मैडम, बाबा, मैडम रुकिए, कहाँ जा रही हैं? बाबा, 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 क्या आवाज़ है? ये आवाज मैं देखती हूँ। इतनी कहाँ से आ गई? बाबा, बाबा, यहाँ से बाहर जाइए। क्यों चला रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बाबा, क्या हुआ? जी सर, वो मैंने गेट खोला और ये भागती हुई अंदर आ गई। मैंने बहुत रोका लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, जाओ बाहर। क्या लेने आई हो? हाँ बाबा, मेरी मदद कर दे प्लीज। क्यों, अब क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मुझसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। बेटी? तुम्हें तब तो कोई ख्याल नहीं आया जब तुम मुझे अकेला छोड़कर अपनी माँ के साथ चली गई थी, और तुम्हें तब भी ख्याल नहीं आया जब बाबा मुझे सिर्फ आज रात यहाँ रुकने दे। मैं वादा करती हूँ मैं सुबह होते यहाँ से चली जाऊँ।
अमीन, आप सारी जिंदगी इसकी और उसकी माँ की वजह से डिप्रेशन में रहे। आपकी सारी बीमारियों की जड़ ये और उसकी माँ है। निकाले से यहाँ से। चुप करें। माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, ऐसे नहीं बोले उनके बारे में, प्लीज। अब आपका इससे क्या रिश्ता है? निकाले उसको यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। बाबा, बाबा। किससे शिकवा करे, क्या करे? फौजिया, एक बात कहूं? कहो। बहुत बेचैनी है, सोचता हूं कहीं ईमान को इस घर से निकाल कर मुझसे कोई ज्यादती तो नहीं हुई। अहमद, अब आप उसे भूल जाए, आपने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की, और उसने आपके एहसानों का क्या बदला दिया? वो अगर मजीद इस घर में रहती ना, उसका हमारे बच्चों पर और खासतौर पे हमारे पर क्या असर पड़ता? उसे ना आपसे कोई मोहब्बत थी और ना ही दिल में आपके लिए कोई इज्जत। मगर कुछ भी नहीं। अब आप सो जाए ना, सुबह आपका ऑफिस से मीटिंग है आपकी, जल्दी जाना है ना ऑफिस।